संतान दायिनी शक्ति शिरोमणि माता अनसुया का 2 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनसुया मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से मेला आयोजन के लिए 15 लाख रुपए देने और अगले मेले तक मंदिर के रास्तों पर 10 शौचालय बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अनसुया मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जो यहाँ पर डोलियाँ उठनी है उसके मंदिर के डोलियाँ उठाने वाले प्रोग्राम में हम यहाँ पर आए हैं। बहुत मान्यता है मंदिर की, बहुत मान्यता है लोगों की, चमोली डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे उत्तराखंड की लोगों की मान्यता है इस निवास से, और मैं आज उसका शुभारंभ करने यहाँ पर आया हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझको यहाँ पर स्पेशली भेजा है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर भी है, बहुत पुरानी हमारी यहाँ की सभ्यता भी है, और अच्छा लगा आज पहली बार मुझे मौका मिल रहा है यहाँ पर इस पूरी प्रथा का हिस्सा बनने का, तो बहुत बहुत खुश हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशौली ब्लॉक के बनद्वारा, खल्ला, सगर, देवलधार, कठूड़ मंदिरों में सती माँ अनसुया की 5 बहनों की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद सभी गांव के ग्रामीण और ढोल दमाओं के साथ देवी डोलियों ने सती अनसुया मंदिर के लिए प्रस्थान किया। सभी डोलियां मंडल में स्थित अनसुया देवी मंदिर के पैदल मार्ग के मुख्य द्वार पर एक दूसरे से मिली। देव डोलियों का मिलन देख भक्त भावुक हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में देव भक्त यहाँ पहुँचे। माँ अनसुया मंदिर में दत्तात्रेय जयंती पर पूरे भारत से हर साल निसंतान दंपत्ति और भक्तजन अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। पौराणिक काल से ही दत्तात्रेय जयंती पर यहाँ सती माता अनसुया में 2 दिवसीय मेला लगता है। मान्यता है कि माँ के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। माँ अनसुया सबकी झोली भरती है, इसलिए निसंतान दंपत्ति पूरी रात जाग कर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में जप और यज्ञ करने वालों को संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता अनसुया ने अपने तप के बल पर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शिशु रूप में परिवर्तित कर पालने में खेलने पर मजबूर कर दिया था। तपस्या के बाद त्रिदेवों को फिर उनका रूप प्रदान किया और फिर यही 3 मुख वाले दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इसी के बाद से यहाँ संतान की कामना को लेकर लोग आते हैं। यहाँ दत्तात्रेय मंदिर की स्थापना भी की गई है। ग्रामीणों की मान्यता है कि दत्तात्रेय जयंती पर जो भी निसंतान दंपत्ति यहाँ पूजा अर्चना करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ दत्तात्रेय जयंती के पर्व पर क्षेत्र की सगर, बनद्वारा, देवलधार, कठूड़ और खल्ला की देव डोलियाँ अनसुया मंदिर पहुँचती है। यहाँ विशेष पूजाओं के बाद निसंतान महिला को रात के समय आयोजित अनुष्ठान में भाग लेना होता है, जिसके बाद यहाँ आने वाले सपने के बाद महिला अपने पति के साथ स्नान कर लौट आती है। मान्यता है कि महिला को सपने में फल दिखाई देने पर संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र दायिनी के रूप में विख्यात माता अनसुया देवी ने न जाने अब तक कितनी सूनी गोदें भरी हैं। यही वजह है कि माँ के जप तप से आज भी हजारों लोगों के घर परिवार आबाद हैं।